जय गुरु। आज फिर से इस मोटिवेशनल चैनल डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हो पाने का एक अवसर मिला। आज आपके बीच एक छोटा सा कहानी बताएंगे, कहानी या जिससे हमको सीख मिलता है। एक भक्त था, वो भगवान शिव का आराधना करते थे, भगवान शिव के भक्त थे। बहुत सवेरे उठकर नहा धोकर शुद्ध होकर वो हमेशा शिव मंदिर, उनके घर में था, शिव मंदिर में जाते थे, शिव जी का फूल माला सारी चीजों से उनका पूजा किया करते थे, रोज उनका पूजा किया करते थे। और एक दिन वो भक्त जो है बीमार पड़ गया। वो बीमार हो गया, अब क्या करेगा। फिर जो है बीमार से उभरने के लिए शिव जी के पास निवेदन किया। उसके घर में बहुत सारी परेशानियां थी, उन परेशानियां को वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ जाए। हम भगवान के पास जाते तो है, भरोसा विश्वास करते हैं, मगर भरोसा नहीं करते। ये हम लोगों में थोड़ा सा कमी है, भरोसा नहीं रहता हमारा, क्योंकि हमको भरोसा दिलाने वाला जीवंत तो कोई हमारे सान्निध्य में नहीं रहता, जिसकी वजह से हमको दिशा निर्देश नहीं मिलता। इसलिए विश्वास करते हैं, भरोसा नहीं करते। जो भी हो, उस मन में बहुत था कि हम इतना पूजा पार्वण कर रहे हैं पर हमारा ये समाधान, जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो एक दिन मंदिर में पूजा करने के लिए गया, देखा कि जिस जो शिव मंदिर था, शिवलिंग था, उसके ऊपर एक चूहा कहाँ से आया, चूहा ऊपर चढ़ा, शिव जी के सर पे चढ़ा, फिर उतरा, फिर दो एक चूहा आया, वो चढ़ा, फिर उतरा। तब वो भक्त को समझ में आ गया कि हम तो शिव जी का पूजा कर रहे हैं, शिव जी से भी बड़ा है ये चूहा जो उनके सर पे चल रहा है। उनको समझ में आ गया कि अब तो हमको शिव जी को छोड़ के चूहा का पूजा करना चाहिए, क्योंकि चूहा शिव जी से बड़ा है, उनके सर पे चल रहा है। तो उस दिन से शिव जी का पूजा छोड़ दिया, अब चूहा का पूजा करने लगा। और चूहा का पूजा करते करते उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, सोच रहे क्या करे। तो एक दिन देखा कि एक बिल्ली आया, बिल्ली देखा, अरे यहाँ तो चूहा का राज है, आप सब जानते हैं बिल्ली को चूहा खाना बहुत पसंद है। वो बिल्ली ने चूहा देख के चूहा को मारा, खा लिया, असंतुष्ट हुआ और ये भक्त को दिखाई पड़ गया। भक्त ने देखा, अरे हम तो चूहा का पूजा करते थे, अब चूहा से भी बड़ा शक्तिशाली है ये बिल्ली, अब तो मुझे बिल्ली का पूजा करना चाहिए, हम चूहा का पूजा कर रहे हैं, उससे भी बड़ा है, उससे भी शक्तिशाली है, हम बिल्ली का पूजा करने थे तो बिल्ली का पूजा करने, चूहा का पूजा छोड़ दिया, बिल्ली का पूजा करने लगा। बिल्ली का पूजा करते करते फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो एक दिन देखा एक कुत्ता आया, कुत्ता सोचा, अरे ये इतना छोटा जानवर, हम इतना बड़े जानवर, हमारे पास इतना शक्ति है और ये यहाँ बिल्ली का राज है, बिल्ली का पूजा किया जा रहा है। उसने ऐसा भौंका, बिल्ली डर के मारे भागा और वो भक्त देख लिया। जब भक्त देखा तो भक्त सोचा, अरे हम बिल्ली का पूजा कर रहे थे, बिल्ली से भी शक्तिशाली है कुत्ता, हमें तो कुत्ता का पूजा करना चाहिए। तो उसने बिल्ली का पूजा छोड़ दिया, कुत्ता का पूजा करने लगा। कुत्ता का पूजा कर रहा है। एक दिन कुत्ता उसके घर में, घर के बीच में मल कर दिया। जब मल कर दिया तो उसकी पत्नी कमरे के अंदर से आई और देखा ये कुत्ता घर के अंदर गंदगी कर दिया। तो एक अंदर से लाठी लेके आया, उस कुत्ते को ऐसा पीटा कि कुत्ता भाग गया और वो भक्त ने देख लिया। अब भक्त को समझ में आ गया कि ये कुत्ता का पूजा कर रहे थे, कुत्ता से भी तो बड़ा हमारा पत्नी है,
वो इतना उसके पास शक्ति है, हम जिसका पूजा कर रहे थे उसको भगा दिया। हमको तो उस शक्ति का पूजा करना चाहिए, वो पत्नी का पूजा करने लगा। पत्नी का पूजा करते करते एक दिन वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो उसके पत्नी ने काफ़ी सेवा किया, काफ़ी चेष्टा किया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास ले गए, बड़े बड़े वैद्य आए, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। जब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक उसकी जीवन काल चला गया, तब उसने सोचने लगा कि मैंने जीवन में क्या किया। हमेशा एक्सट्रीम लेवल पर जीवन चला जाता है तब हम पूर्व समय का बात सोचते हैं कि ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, पिताजी तो ऐसा बोलते थे वैसा क्यों किया, पिताजी बोलते थे पढ़ो हम कबड्डी खेलते थे, ऐसा सोच में आता है। तो उस भक्त को सोच में आ गया कि अरे हमने ये पूजा किया, वो पूजा किया, ऐसा पूजा किया, फिर भी हमारा जीवन में ठीक नहीं हुआ, हम सही दिशा हमको प्राप्त नहीं हुआ। कारण इसका है, उसके जीवन में विश्वास तो था मगर भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि जीवन में कोई दिशा निर्देशक नहीं था, जीवन को मार्गदर्शन करने वाला, सही गलत बताने वाला कोई नहीं था, जीवंत रूप में कोई नहीं था जिसे हम गुरु कहते हैं। उसके जीवन में गुरु नहीं था, गुरु की वजह से वो हमेशा अपना पथ को बदलते रहे, जानकारियां विचारों में परिवर्तन करते रहे और भगवान को एक अपना जैसा समझ के अपने हिसाब के अनुसार भगवान को मानते रहे, मगर भगवान मिला नहीं क्योंकि जीवन में गुरु नहीं था। रावण को देखिए, रावण कितना शक्तिशाली, कितना ज्ञानी, कितना उसके पास सारी चीजें प्राप्त, धन दौलत सारी चीजें प्राप्त होते हुए भी वो जीत हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं था, कोई दिशा निर्देशक नहीं था, सही गलत बताने वाला नहीं था, जीवंत रूप में नहीं था। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में वो गुरु, तब वो भक्त को समझ में आया कि हमको तो शिव जी का ही पूजा करना चाहिए था, हम इधर उधर भटक गए, समय बर्बाद किए और अनंत समय तक आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर, अब जो भी करना है अगले जन्म में करने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए जीवन में पहले से ही, बाल्यकाल से ही गुरु के साथ संयुक्त तो होना जरूरी है। ये कोई पूजा पाठ नियम नहीं है जो हम बच्चों को नहीं देते, बोलते हैं कि वृद्ध अवस्था में लेंगे। वृद्ध अवस्था में क्या, वृद्ध अवस्था में क्या पूजा करेंगे, वृद्ध अवस्था में क्या भगवान को बुलाएंगे, वो तो अवस्था भगवान कहेगा कि अब हमारा बुलाने का तुमको पारी है, तुम क्या बुलाओगे हमको। इसीलिए बाल्यकाल से ही गुरु के सान्निध्य में लाना, कोई नियम विधान के अंतर्गत के जाल के फंसना नहीं, इसीलिए जीवंत आदर्श के साथ युक्त होना, संस्कार में परिवर्तन करना, और संस्कार में जब परिवर्तन हुआ, बेस रूट जब परिवर्तन हो जाता है, तब सारा जीवन सुंदरता में परिणत हो जाता है, सारा जीवन एक सही दिशा में चलता है। इसीलिए प्रत्येक के जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, और वो गुरु अगर सदगुरु माने उस युग के पुरुषोत्तम अगर मिल जाए तो उस युग के अनुसार हमको लेके चलते हैं और सारी समस्या का निदान उस युग के अनुसार हमको प्राप्त होता है। मैं परम दयाल श्री ठाकुर, इस युग के पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर कुलचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, आपका आशीर्वाद आपका दया सबके बीच रहे, ताकि सबको एक जीवन का दिशा मिले, ताकि सब अपने जीवन को सुंदरता से सही दिशा में अपने सही विचारों के अंतर्गत, सही कंसेप्शन के अंतर्गत सबका जीवन बदल जाए, सबका जीवन सुंदरता में परिणत हो जाए और उन्हीं की सृष्टि इतना सुंदर में बदल जाए ताकि इसको सबका लाभ मिल सके, सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। आप जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी लिखिएगा, ताकि इस चैनल को आगे आने वाले दिन में आगे और ले जा सके, आपके बीच उपस्थित होकर अपने विचारों को रख सके। सबकी मंगल कामना उसी पुरुषोत्तम के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।